यो व्हाट इज अप लॉर्ड गैंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। भाई ऐसे कैसे हो, सब ठीक हो, खैरियत से हो? भाईजान आज का सीन है बड़ा डाडा सीन ऐसे है कि भाईजान हमारी मोना जो है ना, इसके हालात जो है बहुत ही माड़े जा रहे थे, बहुत ही गंदे हालात जा रहे थे। तो हमने ये भाईजान जो बैठे हैं ना, ये भाईजान के जो कज़न है उनको लगा दिया फटाफट के, यार ये बम्पर निकालो, ये बम्पर मेरे से मेरी बर्दाश्त के ना बाहर हो गया हुआ है, ठीक है। ये रिपेयर हो सकता है, इसकी ट्रे भी रिपेयर हो सकती है, लेकिन मैं रिपेयरिंग वाला काम नहीं करा रहा, ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा खुल जाना इसके नक्के वीक हो जाते हैं और ये फिर खुलता रहता है बार बार। और मैंने जाना है कल रात को नथिया के लिए, मैंने निकलना है और मैं नहीं चाहता कि गाड़ी मुझे तंग करे, तो मैंने अपना नया बम्पर मंगवा लिया है। ये जो लगा हुआ है करंटली, जो चाइनीज़ किट आती है पूरी पाकिस्तान के अंदर, मोस्टली गाड़ी के अंदर चाइनीज़ किट ही लगी हुई है। मैंने ओरिजिनल बम्पर मंगवाया है, दिस इज़ होंडा का ओरिजिनल SI बम्पर। आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी कंडीशन से, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसका कोई वो सीन नहीं है कि ये चाइना चूना वाला सीन है। ये मेरा बम्पर है, इसको अभी हम उठाएंगे, इसको उठा के नीचे निशान भाई के पास लेके जाएंगे। निशान भाई को कहेंगे कि इसको करें रैप, ठीक है, तब तक ये बम्पर निकल आएगा, ये बम्पर निकल आएगा तो गाड़ी को हम ले जाएंगे नीचे। और आज जो ये रिम के ऊपर मैंने जो काम कराया है, ये रिम का भी सारा सीन मैं उतार दूंगा, इसके ऊपर से स्टिकर्स उतार दूंगा, कुछ रिपेयरिंग रूपोरिंग कराऊंगा, पीछे से भी कुछ रिपेयरिंग कराऊंगा। और बोनट जो है, आज हम अपना बोनट जो है, इसको ये पर्पल हुआ है मिडनाइट पर्पल, इसको हम उतार देंगे और इसको हम कराएंगे ये जो फेंडर्स पे हुआ है 5D। बाकी आज का सीन जो है हम चेक कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि रिम्स चेंज कर लूँ। रिम्स जो हैं ये देखा ना, ये वाले मेरे लगे हुए हैं, ये वाले, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मेगा मोटरस्पोर्ट से ले सकते हो। मुझे तो बड़े सस्ते मिल गए थे, अब इनका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया हुआ है। तो अभी सीन ये है कि मैं सोचूं कि अपने रिम्स चेंज कर लूँ, मैं रिम्स से ज़रा बोर हो गया हूँ। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को एक वादा किया हुआ था कि मैं एक मॉडिफिकेशन लेकर आ रहा हूँ रिम्स की, वो भी अभी आपको करके दिखाता हूँ। होपफुली उम्मीद है कि मुझे आज टाइम मिल जाए वो भी कराने के लिए। अच्छा, दिन शुरू करते हैं आज का। यार बड़ा लंबा दिन है यार, बड़ी परेशानी होनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि अच्छा होता है माशाल्लाह। जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, माशाल्लाह बहुत नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाईजान मेरा नाम है मुसैब यूसुफ और मैं गाड़ियाँ मॉडिफाई करता हूँ। मेरे पास दो सिविक्स हैं, ठीक है, फिलहाल जो आप लोगों को दिखाई नहीं है वो दो सिविक्स हैं, एक टर्बो है, उसका नाम है लीसा, एक ये है मोना है, और एक मैं अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ V8 का, Mark II V8 का मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। खैर आज का दिन हम फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमने क्या क्या करना है और साथ साथ आपको भी गाइड करता रहूँगा। यार एक सीन है, एक सीन मैं आप लोगों को बता दूँ यार, इसकी ना जब ये बम्पर हुआ था ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जब इसकी यहाँ से ट्रे उतरी थी ना, ये यहाँ से इसने छोड़ दिया था, देखो ये कितना वीक हो गया हुआ है, तो ना ये ना इसके साथ जाली लगी थी, मैंने जाली पुड़वा दी, ये और वीक हो गया। जब ये उतरा ना तो मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा इस पर, मैं रिंग रोड पे था, मेरे साथ फैमिली थी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने उधर ही यहाँ ना ऐसे पाँव फंसा के इसको खींच दिया नीचे की तरफ। अब नीचे से इसकी सीटें भी फटी होंगी और सीटों का भी अब कुछ ना कुछ करना है, और कल रात को मैंने निकलना है, पता नहीं एक दिन में मैं सारा काम कैसे कराऊंगा। व्हील बैलेंसिंग भी करानी है, अलाइनमेंट भी करानी है, और ये टायर्स की कैंची भी करानी है। अगर आप लोग समझते होगे तो अगले पिछले पीछे आगे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे थोड़े से वीक लगे, चाइनीज़ टायर्स लगाए हुए ना इसको मैंने, तो इसके यार अब ये सिनेरियो चेक कर लो, ये इसका ज़रा मामला जो है ना बड़े माड़े किस्म के, ख़राब किस्म के मामला जा रहे हैं। चलूँगे यार, मेरी गाड़ी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता काम निकालने लग गई है, इंजन वाइज काम निकालने लग गई है, तो अब मुझे ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जो रीबर्थ ऑनर्स हैं, क्योंकि मेरे पास एक रीबर्थ भी है, उनको ये पता होगा कि सिविक रीबर्थ के साथ और ये एक्स के साथ भी एक बीमारी है। रीबर्थ के साथ ज़्यादा बीमारी है, इसकी हो जाती है वाटर बॉडी ख़राब, ये करके वाजे में आती है, वाटर बॉडी की जो बैरिंग्स होते हैं उसके अंदर चला जाता है पानी और वो करता है आवाज़। अब मेरा साउंडलेस इंजन है और वो वाटर बॉडी लैदा आवाज़ कर रही है, परसों से मुझे वो आवाज़ आ रही है। मैंने अभी होंडा पे फ़ोन किया, होंडा ने कहा कि भाईजान अवेलेबिलिटी है लेकिन वो महंगा है, तो अब देखते हैं होंडा पे जा पाऊंगा नहीं, लेकिन उसका इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होता, वो बस आवाज़ ही करता रहता है, तो अभी मेरा उसका फैसला करना है। तो मतलब अब हमारा होंडा पे जाना लाजमी हो गया हुआ है, क्योंकि हमने वाटर बॉडी भी करवानी है और मेरा जो वो फ्यूल टैंक वाला जो इशू है ना, फ्यूल टैंक वाली जो मोटर है वो भी ख़राब हुई हुई है, तो जाना लाजमी है। फटाफट बिलाल साहब का भी इंतज़ार करते हैं, और बाकी क्योंकि अब मैंने उसको कहा है कि यार ये बॉय जो लगा हुआ है उसको मैंने कहा कि यार मेरा जो शीटों का काम है, शीटें भी मैंने नहीं मंगवाया, मैंने नहीं चाहता मुझे किसी भी किस्म की तंगी हो। अच्छा चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि यार मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा, मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप तक आप लोग के सामने ये है कि मैं लीसा का प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये मोना भी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, उसके बाद वो V8 ने बहुत सर खाया हुआ है मेरा, और फिर दरमियान में रीबर्थ का भी इंजन आ गया था। रीबर्थ मुझे रात को मेरे छोटे भाई की कॉल आई कि भाई रीबर्थ का इंजन ना हीटअप हो गया, तो मैं बड़ा परेशान, तो अभी मैंने गाड़ी ला के वो घर खड़ी कर दी है। उसके लिए एक स्पेसिफिक ब्लॉग बनाऊंगा मैं अलहदा, क्योंकि यार उसमें ना मुझे जहां तक लगता है लास्ट इंजन के साथ भी उसका यही मसला हुआ था। हमारे ना इंजन में मसला नहीं है उस गाड़ी के, बेसिकली उस गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में कोई ना कोई मसला है, या तो रेडिएटर लीक होगा या कुछ ना कोई ना मसला होगा, या वाटर पंप लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम वो भी चेक करेंगे। तो मैं ना यार इन कामों के दरमियान में ना अपनी मोना लाल दुलारी जो हमारी मोना डार्लिंग है, इस पर मैं ना ध्यान नहीं दे सका सही तरह, पिछले एक महीने से इस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग को पता है कि यार मेरी जो मोना है वो क्लीनेस्ट का रिकॉर्ड मिला हुआ है, क्लीनेस्ट का अवार्ड मिला हुआ है उसको, तो अब वो क्लीनेस्ट नहीं रही, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल निकल आए हैं। तो मसलों की बात करते जाएँ तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ना
क्लियर करेंगे यार अब, पर बहुत ज़्यादा होगी यार, मैं नहीं इसके साथ जाती कर रहा, मजीद धोती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब देखे जाएगा तो ये जो डिक्की है ना, मैंने रिपेयर कराई थी आप लोग के सामने जब ये लग गई थी, तो जब ये डिक्की रिपेयर हुई थी ना इसके ऊपर पुटकिन लग गई थी, तो बड़ा मसला हो गया था। अब जब यहाँ से गाड़ी देखे ना तो यहाँ से ढलक महसूस होती है। तो अब मैंने सिनेरियो ये सोचा है कि अब मैं जब आऊँगा ना नथिया से वापस आऊँगा तो इसको ना यहाँ से पूरा ही खोल के डेंटिंग पेंटिंग रिपेयर करके, पेंट करा के, बम्पर भी यहाँ से ख़राब हुआ हुआ रिपेयर करा के गाड़ी को फुल क्लीन एंड फाइनल लुक दूंगा। क्लीन फाइनल लुक देने के बाद मेरा दादा है कि गाड़ी का ना, एक मिनट, मेरा दादा है कि मैं और हारून हम दोनों मिलकर ना दोनों ही गाड़ियाँ दोबारा रैप कराएं, ठीक है, क्लीन रैप दोबारा कराएं, क्योंकि मेरा ख्याल है दो महीने ये रैप गुजार गया हुआ है, अभी अपना फेट छोड़ रहा है, रंग छोड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा फुल फ्लैश ओके हो जाए वापस की तरफ। तो फटाफट यार मुझे भी पता चला कि ये वाला मेरा बम्पर नहीं है। बिलाल भाई कह रहे हैं कि यार बगैर पेंट के लगा लो, क्यों पेंट के ऊपर पैसे खर्च करे, ये पेंट ज़रा महंगा है। उन्होंने कहा जब तुम कभी निकालोगे, जब रैप उतारोगे तो फिर करा लेना, तो वही इस तरह का ओरिजिनल मुझे बम्पर ला के देना विदाउट पेंट। उसको उठाते हैं, उठा के हम नीचे निशान भाई के पास चलते हैं। भाई यार बम्पर शम्पर निकला है, गाड़ी आगे से गंजी हो गई है, मेरी अगली लाइटें स्मोक हुई हुई थी यार। आप लोग के लिए भी एक मैसेज है, जब भी आप लोग हाईवे पर जाएँ तो ये स्मोक शोक सारा कुछ उतार दें यार, आप लोग की खुद सेफ्टी वाला सिनेरियो है यार, ये सेफ्टी लाजमी रखा करो यार। ये देखो मैंने भी उतार दिए, आप लोग भी उतार दो अगर हाईवे की तरफ जाओ तो। ये वाला मजाक नहीं करना, बाकी सारे कर लो, ये वाला मजाक बिल्कुल ना करना यार। रिम वगैरह भी मेरा बाहर आ गया है, शीटें मेरी लगने लगी हैं। अच्छा आप लोग के लिए एक और मैसेज है कि यार जाने से पहले जब भी आप लोग लॉन्ग रूट पर जाएँ तो ब्रेक्स वगैरह लाजमी चेक करें, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये देखें अच्छा खासा पैड मेरा पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि मेरी ब्रेक्स गुड हैं, मेरी ब्रेक ओके हैं, ये चीज़ें लाजमी चेक किया करें यार। आप लोग मुझे कहते हो कि यार मैं आप लोगों को ना बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देता, तो ये लें जी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ गई है। लो जी बॉयज़ बम्पर चुक के हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा वाला जो बम्पर था जो हमारा आना था वो जी लेट हो रहा है, तो मैं ये ओरिजिनली चुक के ले आया हूँ। मतलब ये पेंटेड था, वो कह रहे थे कि यार ना लगाओ, बाद में रैप आप उतारोगे तो ये पेंट साथ उखड़ जाना, 5,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। मैं कहा भाई आई गॉट नो टाइम, लेट्स गो। बॉयज़ यार ये शान भाई के पास, आपको पता था बेस्ट रैपर, इनके पास हमारा बम्पर आ चुका हुआ है। अब यहाँ से हम बम्पर यहाँ रख के ये रैप करेंगे इसको फटाफट। अगर आप लोग भी रैपिंग की तरफ आए ना तो यार एक चीज़ बात सुने, रैप करने वाले बंदों को ना गुस्सा चढ़ता है कि जब उनको इस तरह की चीज़ें ना खोल के दी जाएँ, हैं ऐसे ही, तो जैसे ही वो ना इस काम से जरा चालू होते हैं, ठीक है, तो आपने जब भी कोई अपने बम्पर्स वगैरह रैप कराने या अपने स्कर्ट्स वगैरह रैप कराने तो खुलवा के कराने हैं, ठीक है, खुलवा के होता ये कि अच्छी तरह रैप हो जाता है, और जब रैप होता है ना तो आपने ये करना है, जैसे ये किनारा है तो इस रैप को जब यहाँ तक लेकर आएंगे ना तो इस रैप को पूरा मोड़ देना है वापसी की तरफ, ठीक है, जैसे ये यहाँ तक, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा कि रैप को यहाँ से लेकर आ रहे हैं लोग ना, रैप यहाँ ला के ना ये किनारे पर ला के कट कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, आपने रैप को यहाँ तक लाना है और यहाँ तक पूरा वापसी की तरफ मोड़ देना है ताकि ये अच्छी ग्रिप कर लेता, फिर फटता भी नहीं है। ये बंदा चालू है इस काम से, लेकिन मैं करा के जाऊँगा। और आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ये ओरिजिनल बम्पर है, तो भाईजान देखें जो आपका सिविक का जो एसआई का बम्पर होता है ना ओरिजिनल वाला, वो यहाँ से ना इतना ही यहाँ जिस तरह ये आके यहाँ तक ख़त्म हुआ हुआ है, जब चाइनीज़ लेंगे ना वो थोड़े से यहाँ से बाहर आए होते हैं, उनकी ये ब्लैक ट्रिम थोड़ी सी बाहर आई होती है। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे यहाँ दो चार काम है मैंने वो करने हैं, गाड़ी का काम मैं सारा कुछ समझा समझू आया हूँ, उम्मीद है रहा था कि सारा काम कर देंगे, क्योंकि भाईजान मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है और मैंने टूर पर निकलना है, पता नहीं क्या होता है, देखते हैं कल व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट भी करेंगे क्योंकि कल रात को आपके भाई ने टूर पे निकलना है। सो लेट्स गो बॉयज। 10 सेकंड्स लेट बॉयज, 10 साल इंतजार करने के बाद मैं वापस आया हूँ, गाड़ी मेरी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ, अब मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, बस ज़्यादा इन्होंने कुछ किया है, अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ ये हुआ है रिम्स जो थे वो उन्होंने इनमें से रैप उतार दिया है, और वो भी मैंने अभी आके फटाफट करवाया, और ये जो नंबर प्लेट थी ये भी छोड़ी हुई थी, ये भी आके मैंने अभी लगवाई है, सेटमेंट करके लगवाई है, नीचे करके थोड़ी सी लगवाई है, ये ज़रा ख़राब हुई हुई थी। लो जी बॉयज़ वो बम्पर तो हमारा हो नहीं सका, उसमें नके नके उसके ख़राब थे, थोड़ी सी चीज़ें उसकी ख़राब थी, उस पर रिपेयरिंग हुई भी नहीं, तो अब ये वाला बम्पर लिया है, ये ओरिजिनल बम्पर है, और वन मिनट तो अब इसको लगाएंगे हम अपनी गाड़ी के ऊपर, ठीक है, इस पर रिपेयरिंग हुई भी है, ये वाली बस फ्रंट से रिपेयरिंग हुई भी है, बट स्टिल एक्सपेंसिव एज हेल। बम्पर शम्पर यहाँ आ गए हैं, भट्ट साहब यहाँ आ गए हुए हैं, ठीक है, ज़िशान साहब हैं, कोई भी काम करवाना हो तो बिन खालिद की दुकान पे आप आएँ, ठीक है, ज़िशान भाई को मेरा रेफरेंस दें, आपका सारा काम हो जाएगा। देखो अभी आप लोग के सामने बम्पर आता है, बम्पर ये हमारा अभी करने लगे हैं, तो फटाफट से आप जब ये तैयार होगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। We'll be right back.
गाइस यार बम्पर को अभी तैयार होने में बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आप लोग को एक चीजी दिखा दूं। मैंने लूना के लिए एक चीजी ली है एंड दैट इज दिस टकाटा स्टीयरिंग व्हील। आप चेक कर रहे हैं क्या फ्लेक्स है, अल्कंटारा टाइप यू नो ये जो लगा हुआ है, ये हमो शोमो वाला सीन नहीं है, ये टकाटा का सीन। इसका बहुत टाइट है, बहुत माशाल्लाह ये लूना के लिए है। इसको हम टर घूम के जो लगता है ना टन करके, वो वाला सिस्टम है इसका। तो इसको मैंने कहा चले आप लोग को, जब तक मेरी चीज़ें तैयार नहीं हो रही तब तक मैं आप लोग को अपडेट्स ही देता रहूं। तो यार अब मैं आप लोगों से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है यार, मैंने एक फैसला लिया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, शायद इट इज़ पॉसिबल। पहले मैं बड़ी देर सोचता रहा यार अगर क्योंकि शायद मैं पहले मैं बड़ी देर सोचता रहा कि यार शायद मुझे लूना का प्रोजेक्ट थोड़ी देर स्लो करना पड़ेगा, लीसा स्लो करना पड़ेगा या मोना स्लो करना पड़ेगा। अब मोना पे मैं किसी भी सूरत मान नहीं सकता, क्योंकि मैं जो भी हूँ अब तक आप लोग के सामने इस मोना की वजह से हूँ जिसके अंदर मैं बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट यार बॉयज एक सीन होता है, आपको खुद समझना पड़ता है, जो मैं भी अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है कि यार मैं एक टाइम पे इतने इतने प्रोजेक्ट्स जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी एक रीबर्थ का भी प्रोजेक्ट मेरे सामने आ रहा है, वो आप लोगों के सामने आजकल में आ जाएगा, अगले 2-3 ब्लॉग्स तक आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ऐसा सीन है कि हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, कि इट इज़ पॉसिबल कि शायद मोना का प्रोजेक्ट हम रोक दें, मतलब मोना को हम इधर ही रोक दें, ये ऐसे ही चलती रहे, ठीक है चलती रहे, अब मैं इसको मजीद कुछ कराऊँ ना। एंड इट इज़ पॉसिबल कि मैं शायद इसका रैप उतार दूँ, और उतारने के बाद डिक्की भी रिपेयर करा के, पिछला बम्पर भी रिपेयर करा के, अगले को पेंट करा के बिल्कुल पूरा इसको वाइट कर दूँ। इट्स अ यू नो वेरी मुश्किल डिसीजन फॉर मी, बट ये मुझे करना पड़ना है, क्योंकि यार मैं ना लूना पे और लीसा पे दोनों पे जो गाड़ियाँ हैं परफॉर्मेंस गाड़ियाँ वो दोनों, इसका इतना खैर परफॉर्मेंस से इतना कोई लेना देना नहीं है, ये बस शशके के लिए है। तो ये शायद इट इज़ पॉसिबल कि मुझे इसका प्रोजेक्ट रोकना पड़े, आज से कोई 4-5-6-7 दिन बाद मुझे इसका रैप सारा उतारना पड़े और इसको पेंट करके इसको स्टॉक लाना पड़े, इट इज़ पॉसिबल। हाँ ये है एक चीज़ मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर सकता हूँ इसके ऊपर, कि यार एक लास्ट इसके ऊपर प्रोजेक्ट रोकने से पहले इसको एक लास्ट वादा मैं आप लोगों को कर दूँ कि इसके ऊपर हम एयर सस्पेंशन लगाने लगे, बट उसके बाद मैं इसके ऊपर कभी कुछ कराऊंगा नहीं, ये बस ऐसे ही चलती रहेगी नॉर्मली यू नो डेली ड्रिवन घर के लिए इस्तेमाल के लिए। हो सकता है इसके ऊपर से ऐसा किट भी उतर जाए, नॉर्मल हो जाए, एयर सस्पेंशन लगा रहेगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अब देखते हैं बम्पर किधर है, बम्पर की आपकी कंडीशन बताएं, मैं बहुत थक गया बॉयस। तो यार बम्पर शम्पर हमारा रेडी हो गया है, इसको लेके फटाफट ऊपर चलते हैं, तो जाके फटाफट लगवाएं यार, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा बॉयस यार साथ साथ ना यार ये वाले जो रिम्स है ना, इन रिम्स के भी आप रेट करो, कैसे लग रहे हैं बगैर रैप के, कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अब मैं ना ये चेंज करने लगा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ यार ये कैसे लग रहे हैं, क्या सिनेरियो है इसका, क्योंकि मेरा चेंज करने का पूरा मूड बन रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ, दोस्तों को शेयर करो, मुझे बताओ, उन लोगों से भी सबसे भजन फुल टाइम आप मशवरा करके मुझे बताओ, मैं चाहता हूँ कि ये डिसीजन मैं आप लोगों के साथ मिलकर लूँ। तो बॉयज़ अगर आप देखो, ये मैंने V1 के जो गार्निश है वो लगा दी है, अपनी V2 मैंने इनको दे दी है, ठीक है। तो यार ये अभी सिनेरियो चल रहा है और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं ब्लॉग को कैसे चलूँ, एनर्जी ख़त्म हो गई है ना, गोडे दर्द होने लग गए मेरे गोडे। Yes boys, it is the next day and look at this beautiful piece of machine. Mashallah. हमने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं कल के दिन में, मैं ज़रा थक गया था इसलिए मैंने रात को आके व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। हमने बम्पर लिया, नया बम्पर रैप कराया V1, हमने गार्निश लगाई, उसके बाद हमने दोनों जो शील्ड्स थी ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड वो भी लगवाई, रिम्स भी हमने साफ़ करवाए। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे अच्छी जो चीज़ हमने लगवाई है, द गुड थिंग इज कि हमारे पास जो हमारा ये टकाटा स्टीयरिंग व्हील आया है ना, दिस इज गुड सीन मैन, दिस इज गुड सीन। इंपॉर्टेंट थिंग इज के यार अनफॉर्चुनेटली अब मोना जो है हमारी, उसका व्लॉग्स आपको थोड़े से कम नज़र आएंगे या हो सकता है शायद ना ही आए, अब से एक दो व्लॉग्स तक तो ये आएगी, लेकिन उसके बाद कह लो कि स्पेसिफिक जिस तरह मैं मोना के लिए अलग व्लॉग्स बनाता हूँ वो शायद ना आए, छोटे मोटे इसके काम ऐसे उससे कराते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं मोना का प्रोजेक्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि 4-4 प्रोजेक्ट्स मेरे से हैंडल नहीं हो रहे, एंड इट इज़ पॉसिबल कि मैं इस गाड़ी को और मज़ीद 2 हफ्ते बाद बिल्कुल स्टॉक कर दूँ, इट इज़ पॉसिबल। खैर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्योंकि आप लोग के सामने पता है अब मैंने रीबर्थ का प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो 4-4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक टाइम पर नहीं हैंडल हो सकते, किसी भी सूरत नहीं हैंडल हो सकते, जेब पर भी बहुत भारी पड़ते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भाई को थोड़ा दिलासा दो, समझाओ कि भाई क्या करे। तो ये बात तो हकीकत है कि आप लोग के सामने जो मैं हूँ मैं इस गाड़ी की वजह से ही हूँ, तो बड़ा सैडली मुझे ये कहना पड़ा। खैर थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू गाइस आर गिविंग मी,
तुम लोग यकीन करो मुझे, मतलब माय हार्ट इज़ फुल। तुम लोग जितना मुझे सपोर्ट करो, लास्ट व्लॉग में भी तुम लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया, यकीन करो आई लिटरली कांट इमेजिन और आई डोंट डिज़र्व इट। खैर विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी और इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि यहाँ से ही मैंने अभी यहाँ से इंट्रो शूट करना है आपके लिए, लूना का व्लॉग शूट करना है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ लूना के पास।